never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind, cause of you. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। ये तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने किचन का कंप्लीट टूर, ताकि मेरे वो व्यूवर्स जो अपने किचन में कोई रेनोवेशन करवाना चाहते हैं तो उनको कोई आइडिया मिल सके। एज़ यू ऑल नो कि किचन जो है वो सेंटर ऑफ द हाउस होता है। मोस्टली हम खवातीन का जो टाइम है वो यहीं पर गुजरता है। तो मेरा मानना यह है कि किचन चाहे छोटा क्यों ना हो, अगर उसको नीट एंड क्लीन रखा जाए और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रखा जाए तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो वैसे भी किचन एक ऐसी जगह है जहाँ से एक हाउस वाइफ की पर्सनैलिटी जो है वो काफ़ी हद तक रिफ़्लेक्ट होती है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने किचन को साफ़ सुथरा रखूँ और अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज रखूँ। तो यहाँ पे जो है मैं आपको अपने किचन का ओवरव्यू दिखा रही हूँ, तो उसके बाद मैं आपको डिटेल से दिखाती हूँ कि मैंने अपने किचन में चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज और अरेंज करके रखा हुआ है। जी तो किचन का ओवरव्यू तो आपने देख ही लिया है। किचन में एंटर होते ही दो रेफ्रिजरेटर रखे हुए हैं, एक डीप फ्रीज़र है और एक फ्रिज, और उसके साथ ही ये स्टोव है। स्टोव की राइट साइड पे टॉप काउंटर के ऊपर ये एक रैंक इंस्टॉल किया हुआ है इस तरह से। इसके ऊपर कुछ चीज़ें हैंग की हुई हैं, जिसमें किचन नाइफ है, ग्रेटर है, कुछ स्पैचुलाज हैं, और इसके ऊपर कुकिंग ऑयल की बोतल रखी हुई है, ब्लैक पेपर और सॉल्ट है, और इसके साथ एक आर्टिफिशियल फ्लावर है। आपको तो पता है फ्लावर चाहे आर्टिफिशियली क्यों ना हो, जिस जगह पे भी रखे हैं उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर उसके साथ ये जो है फॉइल पेपर और टिश्यू पेपर होल्डर लगा हुआ है, और उससे ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे कुछ मायरिंग कप्स हैं और उसके साथ मायरिंग स्पून हैं वो हैंग किए हुए हैं, और आइसक्रीम के लिए स्पैचुला है, और उसके साथ जो है वो कुछ स्ट्रेनर जो है वो हैंग किए हुए हैं। इसके अलावा मैंने काउंटर टॉप के ऊपर एक ये कंटेनर रखा हुआ है, इसके अंदर देसी घी है, ये रेगुलर नाश्ते में यूज़ होता है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे स्टोव के पास रखा हुआ है। इसके अलावा एक ये डिश रखी हुई है। अब इस काउंटर टॉप के नीचे देख लेते हैं तो इस तरह से ये तीन ड्रॉ बने हुए हैं। इनको खोल के देखते हैं कि इनके अंदर मैंने किस तरह से चीज़ों को अरेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉ को देखते हैं। जी तो इस ड्रॉ की जो है वो इस तरह से पार्टीशन की हुई है, और इसके अंदर डेली यूज़ होने वाले स्पून, फोक और जितने भी कुकिंग के दौरान टूल्स यूज़ होते हैं वो रखे हुए हैं, ताकि कुकिंग के दौरान जो है ना वो मुश्किल ना हो, ढूंढने में हैंडी रहे। आपको तो पता है ये रेगुलर यूज़ होते हैं स्पून वगैरह, तो इसलिए इसको फर्स्ट ड्रॉ में अरेंज करके रखा हुआ मैंने। जी तो ये देखिए सेकंड ड्रॉ के अंदर जितने भी रेगुलर यूज़ होने वाले स्पाइसेस हैं वो मैंने अरेंज करके रखे हुए हैं, और इनकी जार को जो है वो मैंने इस तरह से लेबल कर दिया हुआ है। ये स्टोव के करीब है ड्रॉ, इसलिए मैंने यहाँ पे जितने भी कुकिंग के दौरान जो हैं वो रेगुलर स्पाइसेस यूज़ होते हैं वो रखे हुए हैं। और इसके नीचे जो ड्रॉ है थर्ड वाला, इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है। जी तो इसके अंदर भी जितने भी स्पाइसेस एक्स्ट्रा हैं जो रेगुलर यूज़ नहीं होते वो मैंने अरेंज करके रखे हुए हैं, कुछ पैक्ड स्पाइसेस हैं वो रखे हुए हैं। और यहाँ पे स्टोव के नीचे भी कैबिन बना हुआ है, इसको जल्दी से ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या मैंने रखा हुआ है। जी तो इस कैबिन के अंदर ये देखें इस तरह से जितने भी पल्सेस हैं उनके कंटेनर पड़े हुए हैं, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पेंट्री जो होती है वो भी मैं इसी कैबिन में रख देती हूँ। जी तो स्टोव की लेफ़्ट साइड पे ये एक हैंगिंग स्टैंड है, वो इंस्टॉल किया हुआ है विद हुक्स, इसके ऊपर कुछ चीज़ें हैंग की हुई हैं, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं एक डेकोरेशन पीस रखा हुआ है, और इसके साथ ही ये एक कैबिन है, ओपन कैबिन, जिसकी फ़र्स्ट शेल्फ के ऊपर ये शुगर का एक रखा हुआ है कंटेनर, उसके ऊपर पत्ती का कंटेनर, और उसके साथ जो है वो अचार रखा हुआ है और कुछ डेकोरेशन पीस हैं, और इसके ऊपर जो है शेल्फ पे एक आर्टिफिशियल फ्लावर रखा हुआ है, और इसके साथ थर्मस है, और सेकंड शेल्फ को आप देख सकते हैं कि इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और टॉप काउंटर के ऊपर ये ग्राइंडर रखा हुआ है, और ये डेली यूज़ होता है सुबह नाश्ते के दौरान, इसीलिए इसको यहाँ पे शेल्फ के ऊपर ही रख दिया हुआ है। और टॉप काउंटर के नीचे ये ड्रा है इस तरह से, और इसके अंदर इसके फर्स्ट रैक पे जो है ना जितने भी सॉसेज हैं वो रखे हुए हैं, मायनीज, केचप वगैरह, और इसके नीचे जो है वो ग्रीन ट्री के बॉक्स रखे हुए हैं, और इसके साथ ये एक ड्रॉ है, इसके अंदर देखते हैं कि क्या रखा हुआ है। जी तो जितने भी एक्स्ट्रा स्पैचुला और चम्मच वगैरह, बेलन, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस ड्रॉ में रखती हुई हैं,
जो रेगुलर यूज़ नहीं होती हैं, और इसके नीचे भी एक कैबन है। तो इसको ओपन करें तो इस तरह से इसके अंदर ये दो ड्रा बने हुए हैं, और इसके अंदर फर्स्ट ड्रा के अंदर जो है वो ये देखें शीशे की प्लेट्स और कुछ जो है ना बाउल रखे हुए हैं। और इससे नीचे जो सेकंड ड्रा है इसके अंदर ये राउंड शेप की जो है सर्विंग डिश है प्लास्टिक की, आप इसके अंदर कुछ भी सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दो ड्रॉ इसके अंदर बने हुए हैं इस कैबन के अंदर जी। तो ये टॉप काउंटर के साथ ही एक विंडो है, और इसके अंदर ये डेकोरेशन पीस रखा हुआ है, साइकिल बनी है, और इसके अंदर मैच बॉक्स रखी हुई है, और साथ ही ये डोर है, ये बाहर जाने का रास्ता है यहाँ से, और इसके साथ एक और विंडो है। तो यहाँ से सुबह के टाइम बहुत अच्छी रोशनी आती है बाहर से। और यहाँ पे ये देखें सामने सिंक है, और इसके ऊपर भी जो है हैंगिंग स्टैंड जो है हुक्स वाला वो इंस्टॉल किया हुआ है, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं बॉटल ब्रशेज हैं, और पिलर है, और एक स्ट्रेनर है प्लास्टिक का वो हैंग किया हुआ है, और कुछ यहाँ पे ये कप हैं स्मॉल साइज़ के वो हैंग किए हुए हैं, और उसके साथ जो है वो कटिंग बोर्ड है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैंग की हुई हैं, और यहाँ पे एक ये पानी वाली बॉटल रखी हुई है, और उसके सिंक के पास ही आप देख सकते हैं एक ट्रे है जिसके ऊपर डिश वॉशर है, और साथ हैंड लिक्विड पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये सिंक के करीब रखी हुई हैं, और इसके ऊपर जो है वो ओपन ये शेल्फ बनी हुई हैं। इसके अंदर जितने भी डेली यूज़ होने वाले बर्तन प्लेट्स कप वगैरह ये रेगुलर यूज़ होती हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं, और इस ओपन कैबिन के ऊपर ये इस तरह से डेकोरेशन गुलदान रखे हुए हैं। तो इसके अगर नीचे देखें तो इस तरह से एक सिंक के नीचे जो है ये कैबिन बने हुए हैं। तो सबसे पहले ये राइट साइड पे जो कैबिन है इसको ओपन करके देखते हैं जी। तो इस कैबिन के अंदर जो है जितनी भी ट्रे है वो रखी हुई हैं, और इसके साथ ही यहाँ पे जो है ये फ्राई पैन रखा हुआ है, और इसके साथ ग्रिल पैन हैंग किया हुआ है, और पीछे फॉइल पेपर और चॉपर एक रखा हुआ है यहाँ पे। इस तरह से रैंडम चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं इस कैबिन के अंदर। इसके साथ जो कैबिन है आप इसको जल्दी से ओपन करके देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है जितने भी क्लीनिंग के दौरान प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो रखे हुए हैं, जैसा कि डिटोल सरफेस क्लीनर है, हर्पिक है, और कुछ सोप रखे हुए हैं, और डिटर्जेंट्स हैं, और कुछ एक्स्ट्रा स्पंजेस वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पे रखी हुई हैं। और इसके साथ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवन रखा हुआ है, तो ओवन के नीचे भी एक कैबिन है, इसको आप देखते हैं जी। तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो रखी हुई हैं, ये रेगुलर यूज़ नहीं होती इसलिए इसको यहाँ पे रखती हूँ मैं, सिर्फ ग्राइंडर रेगुलर यूज़ होता है, उसको मैंने टॉप काउंटर पे बाहर ही रखा हुआ है। तो इस ओवन के ऊपर दो कैबिन है, इनको आप देखते हैं I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I इस have कैबिन to. के अंदर जितने भी शीशे के वाटर सेट है वो रखे हुए हैं, और उसके साथ ये आइस के लिए बास्केट रखी हुई है, और इसके ऊपर जो कैबिन है उसके अंदर ये टी सेट रखा हुआ है, पीछे आइसक्रीम सेट है, और एक चैनक रखी हुई है। और इन दोनों कैबिन के साथ ये एक और कैबिन बना हुआ है, तो इसके अंदर ये एक बहुत ही खूबसूरत सा सूप सेट है, एक बहुत ही अच्छा कलर कम्बिनेशन है इसका, ये रखा हुआ है, और इसके नीचे ये कुछ शीशे की प्लेट्स हैं, और इसके पीछे भी आइसक्रीम सेट रखा हुआ है, और इसके नीचे ये दो वर्टिकल साइज़ के कैबिन बने हुए हैं। तो इसके अंदर अब देखते हैं क्या रखा हुआ है जी। तो इन दोनों कैबिन के अंदर जो है चीनी के डिनर सेट रखे हुए हैं, मोस्टली जब गेस्ट आते हैं तो यही दोनों डिनर सेट जो है वो यूज़ होते हैं। लेफ़्ट साइड पे ये जो डिनर सेट पड़ा हुआ है इसके साथ जो टी सेट है आई थिंक वो किसी और कैबिन में रखा हुआ है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए वो एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो ये है वो इसके साथ जो टी सेट है ना वो यहाँ पे रखा हुआ है, और इसके नीचे जो है ये कुछ सर्विंग डिशेस रखी हुई हैं। तो ये एक छोटा सा कैबिन बना हुआ है, तो इसके अंदर ये चीज़ें रखती हुई हैं, और इसी कैबिन के नीचे तीन जो है वो ड्रॉ बने हुए हैं, तो उनको जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले ये सेंटर में जो ड्रॉ है इसको ओपन करके देखते हैं जी। तो इसके अंदर जो है जितने भी रेगुलर यूज़ होने वाले कंटेनर है वो रखे हुए हैं, और ये राइट साइड पे जो कैबिन है इसके अंदर भी रेगुलर यूज़ होने वाले कंटेनर ही हैं, और ये थर्ड वन को ओपन करके अब देख लेते हैं जी। तो इसके अंदर ये रुमाल रखे हुए हैं जो किचन में काम करने के दौरान यूज़ होते हैं। तो इससे ऊपर ये जो शेल्फ बनी हुई है इसके ऊपर डेकोरेशन पीस रखा हुआ है, फ्लावर तो कहीं पे भी पड़े हों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा है उस जगह की ना खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं।
तो मैंने काफ़ी अपने किचन में ना यूज़ किए हुए हैं आर्टिफिशियल फ्लावर। और यहाँ पे जो है ये वॉल के ऊपर हैंगिंग स्टैंड हुक्स वाला जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, इसके ऊपर ये कुछ मग हैंग किए हुए हैं। और यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको आज का मेरा किचन टूर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक मुझे दें इजाज़त और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।